नमस्कार, मैं हूं संजीव शर्मा। तो आज आपको बता दें कि मार्केट्स थोड़ा डाउन है 115 पॉइंट्स। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि मिडल ईस्ट में टेंशन चल रहे हैं, इसराइल और हमास के बीच में युद्ध की बात चल रही है, इसराइल हमला करने को तैयार है। उधर से ईरान ने धमकी दी है कि अगर इसराइल ने कुछ एक्शन लिया, गाज़ा में ग्राउंड इन्वेजन हो गया, तो ईरान उसमें वॉर में आ जाएगा, और ये उन्होंने एक थ्रेट दिया है। तो उसको लेकर मिडल ईस्ट के टेंशन बढ़े हुए हैं, तेल के दाम बढ़ गए हैं, गोल्ड के दाम बढ़ गए हैं। गोल्ड तब बढ़ता है जब हर तरफ आपको अनसर्टेन लगता है, और जब गोल्ड बढ़ता है तो स्टॉक्स डाउन हो जाते हैं, क्रूड भी बढ़ता है तो स्टॉक्स डाउन हो जाते हैं। तो ये कोरिलेशन है जो हमने आपको बताया। तो आज देखिए जो स्टार परफॉर्मर हैं वो हैं पब्लिक सेक्टर कंपनीज। ये देखिए PSE इंडेक्स आपके सामने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का। तो देखिए उसमें STC इंडिया 20% अप, ऊपर का सर्किट। ITDC में 20% का सर्किट। कुद्रेमुख आयरन ओर जो अब की IOCL के नाम से है वो 19%। MSTC 12% अप। MMTC 11% अप। फर्टिलाइज़र की सारी कंपनीज पब्लिक सेक्टर वाली चल रही। तो आज जो दिन है वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ का है, बहुत ज़बरदस्त बाइंग हुई है इनमें, लेकिन इंडेक्स अभी डाउन है। देखिए आज क्या हुआ, आज फर्टिलाइज़र कंपनीज सारी जो हैं प्राइवेट हों पब्लिक सेक्टर सब में तेज़ी आ गई है। तो FACT पब्लिक सेक्टर 19% का गेन, गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र एंड केमिकल ज़बरदस्त गेन इसमें 9% से ऊपर का। उसके अलावा नेशनल फर्टिलाइज़र 7% का गेन, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र 6% का गेन। तो अब फर्टिलाइज़र कंपनीज में गेन आ चुका है, और हम आपको बता दें कि जो FACT है वो पिछले साल में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहा है, नॉट जस्ट फर्टिलाइज़र बट अक्रॉस द बोर्ड अगर आप कैप्चर करेंगे तो इसमें बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आया है। उसके अलावा हमने आपको बताया कुद्रेमुख आयरन ओर, ये 19% से ज़्यादा का जंप है। इनका एक पैलेट्स का प्लांट है वो मैंगलोर में, वो रीस्टार्ट होने वाला है, तो उसके चलते आज स्टॉक में जंप है। अब देखिए STC हमने आपको बताया तो ये 20% का इसमें आज गेन आया है। और इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ITDC इसमें भी आज 20% का गेन आया है। तो जो सरकारी कंपनीज हैं उनमें डिसइन्वेस्टमेंट को लेके और कई और चीज़ों को लेके काफ़ी एक एक्साइटमेंट बना हुआ है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ का काफ़ी गेन चल रहा है। इंडेक्स ऑन द होल डाउन है 115 पॉइंट्स। मिडल ईस्ट की जो टेंशन है वो मार्केट पे हावी है, और ये भी कहा जा रहा है कि लोग कुछ अब अपना होल्डिंग्स जो हैं कैश में रख रहे हैं, अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे चाहते हैं इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय फॉर नाउ।